नोटबंदी आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ने वाला कदम। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और गुना विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नोटबंदी से साफ सुथरी अर्थव्यवस्था को मिला एक बड़ा बल। कांग्रेस ने आज नोटबंदी के दिन को काला दिवस बनाते हुए सड़कों पर किया मुखर प्रदर्शन। नोटबंदी का ऐलान था तुगलकी फरमान, कहा कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने। रैली निकालकर दिया एसडीएम को ज्ञापन। गुना विधायक मनालेशक ने अपने 4 साल के कार्यकाल में जनता के हित में 60 करोड़ से अधिक की लागत के कराए निर्माण कार्य। जनता से मांगा विकास कार्यों में सहयोग और मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री से संवाद बनाकर गुना के विकास कार्यों में दिलाई महत्वपूर्ण गति। मधुसूदनगढ़ में बालिका के साथ दुष्कर्म मामले में प्रदर्शन करने वाली राजगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीलू दुबे सहित 65 लोगों पर विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमे। विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कल निकलेगी बाइक रैली और होगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आज शाम को शहर में निकाली मशाल रैली। कांग्रेसियों ने नोटबंदी के दौरान मारे गए 153 लोगों की याद में निकाला कैंडल मार्च। मोहालपुर में कल मृत पाए गए युवक की हुई शिनाख्त। श्रीराम कॉलोनी का रहने वाला था हेमंत लहरी। लाइसेंस के लिए मेडिकल करवाने के लिए निकला था घर से। नर्मदा परिक्रमा के 40वें दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे पिपलूद, किया कलश पूजन और निकले अगले पड़ाव पर। राहुलगढ़ में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह और विधायक जयवर्धन सिंह की अगुवाई में आज किसानों ने किया मोदी सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन, निकाली रैली। उज्जैन से बता रहे प्रसिद्ध रामकथा वाचक तुमेन जी महाराज का कल मानस भवन निर्माण एवं संचालन समिति ने किया स्वागत और सम्मान। गुना के कराटे खिलाड़ी ने मुंबई में बढ़ाया मध्यप्रदेश का गौरव। ओपन राष्ट्रीय कराटे में मध्यप्रदेश को दिलाया 3रा स्थान। शिवानी श्रीवास्तव, साक्षी जैन ने जीते स्वर्ण पदक और सचिन भटनागर, मनीष गोस्वामी, अनस खान उत्कृष्ट प्रशिक्षक के रूप में हुए सम्मानित। दलित सेवक समाज ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लामबंद हुआ दलित सेवक समाज।